नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में सपना स्वागत करता हूं। साथियों, आज थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे इस नए आयोग को संशोधित ड्राफ्ट पर, जो सरकार ने थोड़े दिन पहले 12 सदस्यीय टीम का निर्माण किया था और उसको 5 दिन का समय दिया था कि आप संशोधित ड्राफ्ट हिंदी व इंग्लिश मीडियम में उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दें। अब वो समय भी पूरा हो रहा है और साथ साथ में जो आपका नगर निकाय चुनाव चल रहे थे उनका परिणाम भी निकल गया है, 13 तारीख बीत चुकी है। तो अब जहां तक हो सकता है आज या कल यानी 2-3 दिन के अंदर ही आपका यह नया ड्राफ्ट, संशोधित ड्राफ्ट जो नए आयोग का था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसका ड्राफ्ट ये सदस्य जितने भी 12 सदस्य टीम थी ये पूरा उसको 5 दिन के अंदर सौंपना था। वो हो सकता है उच्च शिक्षा विभाग को 2-3 दिन के अंदर यह ड्राफ्ट सौंप दे। जो ड्राफ्ट सौंप जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार इसमें कुछ तो कुछ निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि उसे कैबिनेट में पास भी कराना है और निर्णय होने के पश्चात आयोग एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसके पश्चात ये आपका आगे की अन्य TGTPC या उच्चतर की परीक्षाएं आपकी हो पाएंगी। और सच बताऊं तो मैं भी इस आयोग का जो संशोधित ड्राफ्ट है उसको जब तक कि उच्च शिक्षा अनुभाग को प्रेषित नहीं कर देते, मैं भी उसकी बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भाई जल्दी जल्दी ड्राफ्ट सरकार के पास पहुंचे और उस पर सरकार निर्णय ले और नया आयोग इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि जो अन्य भर्तियां हैं अपनी TGT PGT की, इसके साथ उच्चतर की कुछ अन्य भी भर्तियां आगे आएंगी, पहले इनको फिलहाल एग्जाम कराना होगा पहले इन भर्तियों को, तो ये काम आगे थोड़ा प्रोसीड हो सके। कुछ चीज़ों का मामला चल रहा था कि वह उच्चतर का हो सकता पुराना आयोग कराए, मैंने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराया, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो आयोग कराएगा, ये नया आयोग कराएगा और नया आयोग जल्दी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाए उसकी प्रतीक्षा मुझे भी है। जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी हम जरूर आपको सूचित कर देंगे साथियों। तो नमस्कार, अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।